वेलकम बैक एक बार फिर से बस यूं ही। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको पता है, आपसे बातें करते करते ये सफ़र इतना दूर आ गया है कि एक आदत में शामिल हो गया है। जैसा कि मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि ये सिर्फ अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स नहीं है, ये एक रिश्ता है, एक सफ़र है, एक हिम्मत है जो मैं आप लोगों से लेकर जिसकी शुरुआत कर रही हूँ। और आज आप सब और ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। तो उसमें आपसे अपने दिल की कुछ बातें कहती हूँ और जाते जाते आपसे कहती हूँ कि आज कुछ ऐसा ट्राई कीजिए या कुछ ऐसा ट्राई कीजिए। मुझे नहीं पता आप लोग मेरा पूरा एपिसोड सुनते हैं या जो भी लोग मेरा एपिसोड सुनते हैं उनमें से कितने लोग उन बातों को सीरियसली कभी कभी अप्लाई करते हैं। पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक रिश्ते की, मान लीजिए कि आपके और हमारे रिश्ते की ही सही। जब मैं नहीं थी तो मुझे आपके मैसेजेस ने बताया दैट आई एम बीइंग मिस्ड और मैंने डेफिनेटली आप सबको बहुत बहुत मिस किया। एक चीज़ जो रिश्तों में अक्सर हम सुनते हैं, एंड स्पेशली जब हमारे रिलेशनशिप्स थोड़े से पुराने हो जाते हैं, तो ये तो तय है कि दो में से एक कुछ ज़्यादा सीरियस होता है और बात बात पर या कभी कभी या कभी बस यूं ही पूछ लेता है कि हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं या तुम मुझे प्यार करते भी हो या नहीं, या तुम हो भी या नहीं। जैसे अगर मेरे जैसा कोई रहेगा जो रिश्तों में बहुत बहुत डीपली बिलीव करता है और इमोशंस मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में, तो मुझे चाहिए कि आप मुझसे कहें कि हाँ मैं हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे शक है या इसलिए नहीं कि मैं इस बात की वैलिडेशन चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे आपकी सच्चाई पे भरोसा नहीं, पर इसलिए कि हाँ शायद वो जो फीलिंग है ना, सुकून वाली, सेफ फील करने वाली, कंफर्ट वाली। और एक लाइन जो मैं बहुत नज़दीक से महसूस करती हूँ जब किसी रिश्ते की बात होती है जो ज़रूरी है हमारे लिए या मेरे लिए, तो जब कोई आपके पास ऐसा होता है ना, सो यू फील लाइक होम। आई मीन आई परफेक्टली फील लाइक होम That one special person, तो फिर वो feel like home वाली feeling के लिए पूरे दिन की भाग दौड़ खत्म करके, इस थकान से, इस रेस से निकल के जब बात हो जाती है ना तुमसे, वो feel like home लगता है जब तुम बोल देते हो कि you must be tired, take rest। वो वाली feeling के लिए शायद कभी कभी जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप हो या नहीं। तो क्या आपने कभी महसूस किया है या अपने रिश्तों में कभी आपने ऐसा सुना है कि जब आप कभी ऐसी कोई बात पूछते हैं तो आपको ये जवाब अक्सर मिलता है कि इतने साल साथ होने के बाद भी मुझे प्रूफ देना पड़ेगा क्या, या फिर कुछ यूं कि अगर बोलने की ज़रूरत पड़े तो फिर कैसा रिलेशन है हमारा, या फिर तुम्हें मेरे एक्शन से समझ नहीं आता हाउ आई फील फॉर यू। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं और कॉमन से डायलॉग्स हैं जो अक्सर एक पर्सन दूसरे से कहता है जब कोई उसे ये पूछ ले कि आर यू देयर। मैंने बहुत अच्छी बात एक आशीष सर से सुनी रिसेंटली, जो
काइंड ऑफ स्टेड विद मी। प्यार करना एक चीज है और एश्योरेंस के साथ भी एश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये दिल में बैठ गई, मेरे बात गई। तो क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि कभी जाके यकीन दिला देते हैं कि हाँ तुम हो, बिना कहे या बिना पूछे। मान लीजिए कि आपके रिश्ते को 4-5-6 या जो भी साल हो गए हैं, क्या हम एक मोनोटोनस रेस का हिस्सा बन के उस रिलेशनशिप का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, या वो मोमेंट ऑफ मैजिक क्रिएट करने के लिए कभी कभी कह देते हैं hey, I miss you. The day was tiring, but I missed you. या फिर पूरे हफ्ते में से एक कोई 15 मिनट निकाल के उसको बस स्पेशल बना देना दो लोगों के लिए, जस्ट टू बी श्योर और जस्ट टू मेक द अदर पर्सन श्योर कि हाँ मैं हूँ। क्या ये श्योरेंस हम देते हैं? आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? ज़रा आंखें बंद करिए और सोचिए, अगर आप किसी रिश्ते में हैं जिसमें बहुत सारा प्यार है, क्या उस प्यार की किताब के पन्नों को आपने पलट के देखा है? कहीं कोई नमी का एहसास या वो नमी की खुशबू तो नहीं है उन पन्नों के बीच में? या फिर ज़रूरत है एक बार फिर से सारे पन्ने मिला देने की और उन सबको देखने की, ताकि कुछ फ्रेश एयर आए उसमें और वो महकते हुए पन्नों की खुशबू हमें फिर से याद दिलाए कि ये रिश्ता कितना स्पेशल है हमारे लिए। तो आज मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस एपिसोड को सुनने के बाद मुझे बताएं कि आप हो या नहीं, और मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा आपके रिस्पॉन्सेस से, मुझे पता चलेगा आपके फीडबैक से कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, ये एपिसोड कैसा लगा, क्या मेरी बातें कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती हैं। छोटा सा ही सही कुछ तो कहिए, मैं इंतज़ार करूँगी आपके फीडबैक्स का, आपके एश्योरेंस का इस रिश्ते में। सो दोस्तों, इसी के साथ आज मैं आपसे कुछ मांग के जा रही हूँ। मुझे फीडबैक भेजिए, और अगर आपको कहीं ना कहीं ये कनेक्ट होता है तो सब्सक्राइब कीजिए इस पॉडकास्ट को और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं जल्द ही वापस लौटूंगी बिना किसी वजह, बस यही। आई विल सी यू देयर। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।